बहुत बेहतरीन क्रीम बन जाए। आगे आगे ही लगवाते हैं जब बाल कम सफेद है तो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका आपके चैनल सुमन कुनबा व्लॉग में। ये देखे पीछे मम्मी को, मम्मी जी ले रही हैं धूप के आनंद। हेलो मम्मी जी। अब आज मम्मी कह रहे हैं कि भाई थोड़े से बालों में मेहंदी लगाओ, रुके रुके से बाल हो रहे हैं, तो अब मैं लगाऊंगी मम्मी के मेहंदी। ये देखे वीरा, हेलो फ्रेंच। भगवान इतनी सारी बात, वो देखे थी, वो भी बोल रही है वहां से उसाते हैं। ये आज भाई कपड़े धुल गए हैं सब। पीयू नाराज है भाई, बहुत नाराज क्यों हो भाई? बताओ क्यों नाराज हो आप भाई? इसकी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसे वही पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव है, तो इसे चाहिए पेट कोई भी। तो एक घर में कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, एक बिल्ली आई थी, तो वो पालतू बिल्ली थी, तो वो इसके साथ काफी खेली, साई के, अर्जुन के, वीरा के, तो लेकिन वो दो दिन बाद कहीं चली गई। तो अब डेली बैठ के उसे याद करके रोती है। क्यों रो रहे हो बेटा? कैटी, ब्लैक कैटी की याद आ रही? कहाँ चली गई वो? किसने? राशि ने। क्या करा राशि ने उसके साथ? उसको तो मैं जमीन पर पटका और सोफे पे। सोफे पे भी? बताओ कितना बुरा करा राशि ने इसके साथ। अब फिर मुझे दोबारा बुलानी पड़ेगी, मेरे बच्चे के कितने मोटे मोटे आंसू आ रहे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी करो। भगवान से प्रार्थना करो इसकी ब्लैक कैट ही आ जाए, या ब्लैक डॉग ही मंगवा दूं? नहीं, कैटी वही वाले। कैटी चाहिए? क्योंकि मुझे डॉगी नीचे से टाइट लगता है। अच्छा, वो कैटी ज्यादा सॉफ्ट थी और अच्छी कितनी थी, वाह बात सारी मान। अभी से हम क्या समझाए, आप कहाँ से पकड़ के लाए उसे? भाई आपके घर में कोई बिल्ली के बच्चे हो? वही चाहिए, पर आपके घर कोई बिल्ली के बच्चे हो तो जरूर भेज दियो इसे खेलना उनके साथ। चलो भाई, अभी हम सब ने कर लिया है नाश्ता, और अब सबसे रिक्वेस्ट कर, ठंडी बाहर है, बढ़िया धूप बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। अब मम्मी के मेहंदी लगाएंगे, तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट प्रक्रिया। ओ मम्मी के बालों में कोम चल रही है, और मम्मी कह रही है कि कोम नहीं चल रही, ऐसे कर देगी कि मेरे फिर सुलझने के भी नहीं है। अरे वीरा क्या कर रहे हो भाई? बस हो गया, हो गया वीरा। अरे बस बाबू, सारा हो गया। अरे ये तो बताओ क्या कर रहे हो? अपना करो, आप अपनी कॉम कर लो। वेरी गुड, अच्छे अच्छे, वेरी गुड बेबी। मेरे भी करोगे? लो मेरे भी कर दो, तुम करो, देख लो भाई सब कॉम कर देगी। ओ, ओ, उल्टे सीधे बाल उठा उठा के सब भूल जाते। फ्रेंड्स, ये जो पेड़ है जिसके पास मम्मी मेहंदी लगवा रहे हैं बैठ के, ये जामुन का पेड़ है हमारे घर में, इसकी अब कटिंग हुई थी। इस पर बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी जामुन लगती है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, और इतनी जामुन लगती है कि भाई आस पड़ोस सब छिक जाता है जामुनों से। स्पेशल वाली जामुन होती है, मोटी मोटी और बहुत ही मीठी। अब की बारी जब फलाएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है मम्मी की मेहंदी कंप्लीट एकदम। मम्मी लगवाते हैं वैसे, मम्मी आगे आगे ही लगवाते हैं जब बाल कम सफेद है तो। वही मम्मी के बाल ज्यादा सफेद नहीं है, कम सफेद है, इसलिए लगाते हैं। तो चलते हैं भाई आप प्रू के पास। प्रू के लगे क्या मम्मी? वैक्सीनेशन हुआ कल प्रू का, भाई पूरी रात बहुत परेशान रहा है, ऐसा मन किया कि आगे वैक्सीनेशन करवानी नहीं चाहिए। ये बच्चा कितना परेशान होता है, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है, और कल दो दो इंजेक्शन लगे उसके दोनों पैरों पे,
तो ज्यादा परेशान हो रहा था। फीवर होता है, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि वही पेन होएगा और फीवर भी आएगा, तो दवाई तो दे दी है पर फिर भी आज थोड़ा कम है, पर रात में ज्यादा। वीरा को क्या हो गया था भाई? कहाँ? ईयर में। भगवान, इसके याद है कि मेरे ईयर में पेन हो गया था। डॉक्टर ने कैसे किया था ईयर को क्लीन, बताना भाई, फिंगर से बताओ कैसे किया था डॉक्टर ने। कैसे किया था? ऐसे करके, ये कहती मम्मा ऐसे करके डॉक्टर ने क्लीन किया था, बहुत रोई थी। तो चलिए भाई चलते हैं अब हम गुरु के पास। ये देखिए भाई, ये जो मेरा बेटा है ये इतना ध्यान रखता है अपने भाई का। वीरा तो परेशान भी कर रही थी लेकिन ये रोते तुरंत आता है भाग के। हाँ, आपको दूधा चाहिए बेटा? फ्रूट्स खा लो। हाँ चलो फ्रूट्स लेते हैं। चलो कैसे ये पीऊ को? ऑरेंज? ठीक है आप ऑरेंज ले लेना। चलो ठीक है, आ जाओ, भैया सो रहा है, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। वीरा को क्या चाहिए? ऑरेंज? चलो आपके ऑरेंज की सीड्स अभी निकाल लेना। चलो भैया सारे फ्रूट्स लेके चलते हैं बाहर, वहीं खाना। अरे उसमें तो मिर्ची है बाबू, आ जाओ। हाँ चलो बाहर, ये लो मिर्ची। आओ भाई आओ, आ गया फ्रूट खाने वाला। चलो भाई आप भी आइए, एंजॉय कीजिए मीठी मीठी धूप में फ्रूट का। लाओ मैं दूंगी कट करके। मम्मा देंगी कट करके, मैं अभी नाइफ लेके आती हूँ। ये भाई फ्रूट पार्टी, ये देखिए। वीरा को पसंद है ऑरेंज और पीहू को भी पसंद है ऑरेंज। ऑरेंज खा रहे हो बाबू? अच्छा है, मीठे और वो भी पसंद है। ये देखिए मम्मी कट कर रहे हैं, ये दिखाते हैं हम आपको। देखिए मीठे हैं मम्मी, बहुत ज्यादा भाई मीठे आए हुए हैं फ्रूट्स तो। चलो सही है, बहुत ज्यादा मीठे हैं। ये देखिए ये तो खुद छील के खा रही है अपनी। और वीरा क्या खा रहा है भाई? फ्रेंड्स को बताओ वीरा क्या खा रहा है? गुआवा? ओके, ये गुआवा के सीड्स बीज बीज खाती है बस, बंदर कहीं का। आप बंदर नहीं हो? बंदर है। चलो भाई हम भी खाते हैं। देखो ना मम्मी, मेरे भी बस फेवरेट है फ्रूट्स, मेरे सारे ही फेवरेट है भाई फ्रेंड्स। अब ये एंजॉय कीजिए, बहुत मीठा है मम्मी, सच में भाई बहुत मजेदार आए हुए हैं अमरूद, है ना? ये ले लो। देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी जी बना रही हैं कुछ स्पेशल ब्यूटी प्रोडक्ट। ये देखिए ज्योति के लिए, ये मेरे लिए बना रहे हैं। ये इसमें देखिए मम्मी, बताओ क्या क्या है इसमें? वो ले लिया मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल तकरीबन 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच गुलाब जल। अच्छा, और ये विटामिन ई के कैप्सूल मम्मी? ये है 5, इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल लूंगा। 5 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे भाई मम्मी। और ये है ग्लिसरीन, ये है ग्लिसरीन। सुनो 1 चम्मच, तो 1 चम्मच डलेगी इसमें। तो बढ़िया मम्मी, तो इसका क्या फायदा है मम्मी स्किन पे? चमक, ग्लो आएगा। अच्छा, सर्दियों ड्राइनेस है जो सब खत्म हो जाएगी सर्दियों में, बहुत अच्छी रहेगी एकदम मस्त। वाओ, तो मम्मी एक बार और बताना। ये है भाई इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो मार्केट वाली है वो, ठीक है। 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच गुलाब जल, हाँ जी। और ये 5 विटामिन ई के कैप्सूल, 5 विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है। 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, और अभी ना मिक्स करके दिखाएंगे इसका कलर, ठीक है? इसका कलर चेंज हो जाएगा मिक्स करने के बाद। खोलना एक बार इसको ज्योति। चलो भाई एक बार मैं खोल लेती हूँ। चलिए जो तुम्हारी जेल थोड़ी ज्यादा, ठीक है। हाँ दवाई खा लेंगे भाई, ये वीरा को लग रही है, एक मेडिसिन है मम्मा की, तो इन्हें ऐसे कट करके और इसमें डाल दो, ठीक है? ओके।
पांचों के पांचों ऐसे ही डालने हैं। चलो ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मम्मा ब्यूटी प्रोडक्ट बना रही है उसमें से कैप्सूल उठा के लेके भागी है। शो मी योर हैंड पीला बाबू, अच्छे बच्चा कैप्सूल दे दो, देना बाबू। और देखो पांचों पाया भाई, कहाँ है बेटा, दे दो भैया, लो क्यों, चलो माँ को दो जल्दी से, चल के चलो 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 भाई चलो, दे दो माँ को, दो माँ को, वाओ वेरी गुड। हाँ है ये रहा, ये देखो पता नहीं है, इसने इसमें वो बाइट ही कर ली। ये फेस पे लगा लो वीरा भाई, इसे फेस पे लगाओ यहाँ, ये भगवान देखो इसे भी गोरा होना है, फेस पे ही लगा दिया। डल गए देखो, इसमें पांच कैप्सूल। अच्छा इसमें पांच कैप्सूल डल गए। अब इसको अच्छे से मिलाओ, इसका रंग चेंज हो जाएगा देखो। अच्छा मिलाते मिलाते ही मिलाते क्रीम बन जाएगी ये स्पेशल। वाह मैं सो गया बिल्कुल, इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ गई है ना इसकी। हाँ ये बहुत बेहतरीन क्रीम बन जाएगी। और इसको एक डब्बे में डाल कर रख लो, कई दिन चल जाए। चलो और किस टाइम लगाए, मम्मी नहाने के बाद या पहले? इसको चाहे बाद में लगा लो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ चलो बढ़िया भाई, थोड़ी मसाज कर लो इससे लगा कर फेस पे सर्दियों में। चलो बहुत बढ़िया बन गई भाई। चलियो भाई, आप सबको भी सुंदर होना है तो जल्दी से अपना ये तरीका यूज करें। इसे देखो शैतान को। चलो ठीक है मम्मी, कंप्लीट होगी अब ये। चलो तो भाई अब मम्मी के फेस की होएगी मसाज। आज पहले मेरी होगी, आज पहले मम्मी की होएगी मसाज, उसके बाद फिर मैं अपनी करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय। फ्रेंड्स, ये ममता कर रही है मेरे फेस पे मसाज, जो कि पैक घर पे ही बनाया गया है, अभी अभी आपको दिखाया है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करेगा, देखिए आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।